हेलो फ्रेंड्स, सोलो टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको आज LDR बेस्ड सोलर पावर ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर बनाने के लिए बताएंगे, जिसमें होगा क्या कि दिन के टाइम में ये लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और रात के टाइम में ये लाइट अपने आप जल जाएगा। तो ये आपका सोलर पावर्ड है, ये LDR बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि बिना LDR और बिना रिले का था, लेकिन ये आपका LDR बेस्ड है। जैसे ही ये LDR के ऊपर अंधेरा हो जाएगा तो ये देखिए लाइट ग्लो हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। फ्रेंड देखिए, इस LDR बेस्ड ऑटोमेटिक डे लाइट सेंसर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको ये सामने दिख रहा है। ये इसके लिए आपको जो सोलर पैनल चाहिए वो आपको 5.5 वोल्ट का सोलर पैनल चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए VMP लिखा हुआ है 5.5 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड। और ये IMP जो है 273 मिली एम्पियर है। ये आपका 50 मिली एम्पियर या उससे ऊपर वाला है तो आपका ये प्रोजेक्ट काम करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। लेकिन वोल्टेज का ध्यान रखना है कि आपका लगभग इतना वोल्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सोलर पैनल हो गया, उसके बाद आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए जिस पे हम लोग सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ये पुराना मोबाइल की बैटरी है, ठीक है फ्रेंड। इसका प्रोटेक्शन सर्किट डैमेज हो गया था तो इसमें अलग से ये लिथियम आयन प्रोटेक्शन सर्किट लगा दिए हैं, जो कि इस लिथियम आयन सेल को ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज से बचाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और ये दो वायर जो है आउटपुट के लिए बाहर निकाले हैं। उसके बाद जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका LDR। ये है आपको LDR, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ठीक है फ्रेंड। तो LDR का काम क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, और जैसे ही इसके ऊपर अंधेरा पड़ता है तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि ये जस्ट यहाँ पर उल्टा काम करे। और इसके लिए एक ट्रांजिस्टर आपको चाहिए, वो है आपको BC547 या फिर BC548 ले सकते हैं। और इस ट्रांजिस्टर के अनुसार मैक्सिमम आप 100 मिली एम्पियर का ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल LED ही लगा रहे हैं जो कि आपको लगभग 40 मिली एम्पियर करंट लेता है। और एक ये रजिस्टर लिए हैं 10 किलो ओम का, जो कि ट्रांजिस्टर के बेस करंट को कम करेगा। और एक और रजिस्टर है जो कि LED के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये LED को करंट लिमिट करके देगा और प्रॉपर वोल्टेज देगा। ये 10 ओम का है। तो चलिए अब हम लोग इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। और ये छोटा सा जम्फर वायर भी लेंगे जिसका कि दो इंड इस तरह से कटा हुआ रहे, ठीक है फ्रेंड। इसका कनेक्शन करने में यूज होगा, इसके ऊपर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग ट्रांजिस्टर ले लेते हैं BC547, और इसको कहीं पे इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं फिर से, ये वर्टिकल ऐसे शॉर्ट होता है, कहने का मतलब जो सप्लाई हम इस पॉइंट पे देंगे वही हमको इस सारा पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से ये शॉर्ट होता है, और इसी तरह ये भी शॉर्ट, इधर से आपका ये हॉरिजेंटल शॉर्ट होता है। ये प्लस वाला हॉरिजेंटल है और ये माइनस वाला हॉरिजेंटल शॉर्ट है। तो अब बेस करंट को कम करना है और बेस में देते हैं हम लोग पॉजिटिव सप्लाई। तो इसके लिए 10 किलो ओम का रेसिस्टर लेंगे और इसके बेस से पीछे पॉजिटिव का जो आपका कनेक्शन गया है उसमें इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव लाइन गया है, इसको पॉजिटिव ही मान लिया है और इसके बेस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके इमीटर यानी ये वाला टर्म है, इसका इमीटर, इसमें नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये वाला नेगेटिव सप्लाई होता है, बीच वाला पॉजिटिव और ये आपका इधर वाला जो है ये भी नेगेटिव। ये ट्रांजिस्टर जो आपको बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसीलिए इसका कनेक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेस करंट को लिमिट करना। अब लोड में हम लोग इस LED का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो है आपका कलेक्टर है, कलेक्टर से हम लोग को निगेटिव आउटपुट मिलता है और LED में हमको पता है कि जो
बड़ा लेग होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा लेग निगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बड़ा लेग है, ये पॉजिटिव है। तो एलईडी के साथ हमको एक रेसिस्टर भी लगाना पड़ेगा इसकी सेफ्टी के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसके कलेक्टर से और एक यहाँ से दूसरे होल में सप्लाई इसको इस तरह से दे देते हैं। ठीक है फिर, अब यहाँ पे तो हमको निगेटिव मिलेगा, तो निगेटिव वाला इसका यूज कर लेंगे और पॉजिटिव वाला ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल शॉर्ट किया हुआ है। ये एलईडी का सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड, अब एलडीआर का कनेक्शन करना है। अभी क्या होगा कि इसमें सप्लाई देंगे तो आपका ये एलईडी जलने लगेगा एज ए स्विच, अभी ट्रांजिस्टर ये काम करेगा। तो पहले आपको यहीं पे कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो ये लिथियम आयन सेल है और इसमें आपको ये जम्फर वायर जोड़ेंगे। तो इसमें पीला वाला जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ये वाला जोड़ देते हैं। और नेगेटिव में ये ब्लैक कलर का वायर जोड़ देते हैं। तो अभी नेगेटिव वाला जो सप्लाई है वो हम देंगे इसके इमीटर पे। तो इमीटर वाला टर्मिनल जो है आपका ये है और ये है आपका पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव वाला ऊपर वाला सारा ये पॉजिटिव ही है, तो इसको इसमें सप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये कनेक्शन अभी कर दिए हैं और देखिए आपका ये लाइट आपको जलने लगा है। अभी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरफ बिहेव कर रहा है। ये देखिए लाइट ये आपका ग्लो कर रहा है और इसमें अभी सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए चार्जिंग पर्पज़ के लिए सोलर पैनल भी यूज कर लिए हैं। ये देखिए ये सोलर पैनल का कनेक्टर है और इसको यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिए हैं। ये देखिए इंडिकेटर भी जल रहा है, यानी अभी चार्ज होना अभी शुरू हो गया और ये देखिए आपकी लाइट जल रही है। तो लेकिन अभी ऐसा होना चाहिए था कि ये लाइट को ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये काम करेगा अभी आपका एलडीआर। तो इसके लिए हमको अभी एलडीआर लगाना पड़ेगा। तो एलडीआर का जो कनेक्शन करते हैं उसको हम लोग पहले जूम कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड, इस एलडीआर का जो कनेक्शन करेंगे वो ट्रांजिस्टर के इमीटर में और ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इमीटर तो ये हो गया, बेस इसके जस्ट नीचे जो ये वायर आया है, तो ये देखिए अब देखिए क्या हुआ कि आपकी एलईडी ऑफ हो गई है। अभी क्या हो रहा है कि एलडीआर के ऊपर सनलाइट आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि इमीटर में आपका निगेटिव सप्लाई आ रहा है और बेस में पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। इसको ध्यान से देखिए, बेस में पॉजिटिव सप्लाई इस रेसिस्टर के थ्रू आ रहा है, तो उसको क्या कर रहा है कि ये एलडीआर कैंसिल आउट कर दे रहा है, यानी उसमें सप्लाई जाने ही नहीं दे रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये एलईडी आपकी ऑफ हो गई है। जैसे ही इस एलडीआर के ऊपर अंधेरा पड़ेगा तो क्या होगा कि ये जो निगेटिव सप्लाई आपका इमीटर से इसके बेस में जा रहा था वो बंद हो जाएगा और आपकी एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस एलडीआर के ऊपर देखिए अंधेरा करेंगे तो देखिए ये एलईडी आपकी जलने लगेगी। ये देखिए फ्रेंड, लाइट आपकी जलने लगी। जैसे ही इसके ऊपर फिर रोशनी आएगी तो देखिए ये एलईडी ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। ये हो गया सोलर पावर एलडीआर बेस्ड ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर लाइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।